हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राहुल शेरा व्लॉग्स। मैं आपका फ्रेंड राहुल शेरावत आज जो वीडियो लेकर आया हूं वो है कवरिंग लेटर के बारे में। जब भी हम किसी कंट्री के लिए अप्लाई करते हैं तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट जो होता है वो कवरिंग लेटर होता है। उसको ठीक ढंग से बनाना बहुत ज़रूरी है। जितना अच्छी तरीके से आपका कवरिंग लेटर आपका लिखा होगा उतनी अच्छी तरीके से आप चीज़ें एक्सप्लेन कर पाएंगे अपनी फाइल के बारे में। तो आगे चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों, ये जैसे कि आप हेडिंग देख सकते हैं, हेडिंग के अंदर मैंने बताया हुआ है कि कवरिंग लेटर फॉर एनी कंट्री। तो आप अगर इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो आप किसी भी कंट्री का कवरिंग लेटर ईजिली बना सकते हैं। तो आप आशा करता हूँ आप वीडियो अंत तक देखेंगे। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी वीडियो मैं आने वाले समय में बनाता रहूं। तो दोस्तों, चलते हैं आगे। तो सब मैंने एक एजम्पशन के लिए कंट्री स्विट्ज़रलैंड ले लिया है। तो सबसे पहले आपको बिल्कुल लेफ़्ट साइड से आपको स्टार्ट करना है और लेफ़्ट साइड में आपको टू मेंशन कीजिए, उसके बाद द वीज़ा ऑफिसर, उसके बाद जिस भी कंट्री का आप अप्लाई करने जा रहे हैं वीज़ा उसको लिखिए। जैसे कि एम्बेसी ऑफ स्विट्ज़रलैंड लिखा हुआ है, अगर फ्रांस के लिए अप्लाई करेंगे तो एम्बेसी ऑफ फ्रांस या एम्बेसी ऑफ डेनमार्क या एम्बेसी ऑफ नीदरलैंड, जिस भी कंट्री के लिए अप्लाई कर रहे हैं आप ऐसे आपको मेंशन करना है। उसके बाद ये एड्रेस, ये आप अपना गूगल से देख सकते हैं, जो भी एड्रेस है उसको एड्रेस को आप यहाँ पर मेंशन कर दिए। उसके बाद यहाँ पर एक सब्जेक्ट आप मेंशन कीजिए, आप किस पर्पज़ के लिए आप ये कवरिंग लेटर लिख रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया है शेंगन वीज़ा हमें रिक्वायर्ड है अपने लिए और फैमिली के लिए। जब आप सब्जेक्ट लिख लेते हैं उसके बाद आपको यहाँ पर स्टार्ट करना है। तो यहाँ पर स्टार्टिंग में आपको, जैसे कि मैंने अपना नाम आई राहुल शेरावत, तो जो भी आपका नाम है यहाँ पर आपको मेंशन करना है। उसके बाद होल्डिंग पासपोर्ट नंबर, जो भी आपका पासपोर्ट नंबर है वो आपको इस तरह यहाँ पर मेंशन कर देना है। तो ये रफली पासपोर्ट मैंने नंबर ले लिया है। इसके बाद मैं ये जो है एक फैमिली लेटर लिख रहा हूँ, तो मुझे अपनी फैमिली की डिटेल्स भी देनी है। तो मैंने आगे लिखा कि एंड आई एम राइटिंग दिस लेटर इन सपोर्ट ऑफ शेंगन वीज़ा एप्लीकेशन फॉर स्विट्ज़रलैंड फॉर मी एंड माय फैमिली। तो मैंने ये लिखा है आगे कि मैं ये जो लेटर लिख रहा हूँ अपनी फैमिली और अपने लिए एक शेंगन वीज़ा सपोर्ट के लिए लिख रहा हूँ। इसके बाद यहाँ पर मैंने अपनी फैमिली की डिटेल्स यहाँ पर प्रोवाइड करा दी है। मैंने यहाँ पर नाम, अपना वाइफ का नाम मेंशन कर दिया है। रिलेशनशिप, आपका जो भी रिलेशनशिप है वो आप यहाँ पर मेंशन कीजिए। आपका ब्रदर सिस्टर के साथ ट्रैवल है तो यहाँ पर ब्रदर या सिस्टर मेंशन करेंगे, साथ में पासपोर्ट नंबर। उसके बाद आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है, आपके रिलेटिव फ्रेंड जो भी है जा रहे हैं आपके साथ, वो डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर मेंशन करनी है। तो इस लाइन में मैंने लिखा है आई काइंडली रिक्वेस्ट यू टू गिव काइंड कंसिडरेशन टू माई एप्लीकेशन, कि मेरी एप्लीकेशन को कंसिडर किया जाए। इन सपोर्ट ऑफ माई एप्लीकेशन आई वुड लाइक टू मेक फॉलोइंग पॉइंट्स, मेरी एप्लीकेशन को सपोर्ट करने के लिए मैं कुछ फॉलोइंग पॉइंट्स बताना चाहता हूँ। तो मैंने यहाँ पर अपना मेंशन कर दिया है अपना कि मैं एक सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ और मेरी जो कंपनी का नाम है वो कुछ भी आपका यहाँ पर जो कंपनी नेम है वो मेंशन कर दीजिए। तो मैंने यहाँ पर एक कंपनी नेम, यहाँ पर कंपनी नेम डाल रखा है, तो इसकी जगह एक्स वाई जेड कंपनी जो भी आपकी है वो आप यहाँ पर मेंशन कीजिए। उसके बाद जो आपकी कंपनी जिस चीज़ में डील करती है उसका आपको मेंशन करना है। जैसे कि मेरी जो कंपनी है विच वर्क अंडरटेक्स द वर्क ऑफ सप्लाई ऑफ एंड लेइंग ऑफ ऑप्टिकल फाइबर केबल OFC टू गवर्नमेंट कंपनीज लाइक BSNL, इंडियन रेलवेज। तो मैंने ये लिख दिया है कि जो हमारी कंपनी है वो ऑप्टिकल फाइबर केबल्स की सप्लाइंग करती है और जो कि ऑर्डर लेता है गवर्नमेंट कंपनी से लाइक BSNL, इंडियन रेलवेज। मैंने एक यहाँ पर इंफॉर्मेशन दे दिया कि क्या हमारा कंपनी का रोल है, कैसे काम करती है। इसके बाद तो सेकंड पॉइंट में मैंने यहाँ पर अपनी इनकम मेंशन कर दी है कि लास्ट ईयर मेरा जो इनकम हुई है वो इतनी है। और उसके बाद मैंने ये मेंशन कर दिया कि मेरे पास सफिशिएंट फंड्स है मेरे अकाउंट में यूरोप का ट्रिप करने के लिए अपने परिवार के साथ। थर्ड पॉइंट्स में यहाँ पर द पर्पज़ ऑफ दिस ट्रिप इज़ टूरिज्म, जो हमारा पर्पज़ है वो टूरिज्म है। आई हैव नो इंटेंशन ऑफ लीविंग इंडिया फॉर गुड सेंस, तो मेरी कोई इंटेंशन नहीं है कि मैं इंडिया को पूरी तरीके से छोड़ दूँ। आई हैव अ स्टेबल इनकम एंड अ बिग फैमिली बेस्ड इन इंडिया, तो मेरी जो है एक स्टेबल इनकम है और मेरा बहुत बड़ा परिवार है इंडिया के अंदर। ये हमारा थर्ड पॉइंट हो गया। उसके बाद फोर्थ पॉइंट में मैंने मेंशन कर दिया है कि इस ट्रिप के दौरान हम कहाँ कहाँ ट्रैवल करेंगे। तो स्विट्ज़रलैंड के अंदर ज्यूरिक, यूक्रेन, इंटरलेकन, ज़ेरमेट, जेनेवा, और उसके बाद हम दूसरी कंट्री जो है शेंगन में आती हैं इटली और फ्रांस, ये कंट्री हम इस ड्यूरेशन में हम विज़िट करेंगे। इसके बाद फिफ्थ पॉइंट है
मैंने यहाँ पर मेंशन उनको एश्योर किया है, आई एश्योर यू दैट वी विल रिटर्न टू इंडिया आफ्टर द ट्रिप एंड विल अबाइड बाय द कंडीशंस ऑफ दिस वीज़ा इश्यूड बाय यू। तो हम मैंने यहाँ पर उनको एश्योर किया है कि जब मेरा ये ट्रिप ख़त्म होगा तो मैं इंडिया वापस आ जाऊँगा। उसके बाद ये यहाँ पर आई एम एनक्लोजिंग रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट विद द वीज़ा एप्लीकेशन एंड काइंडली रिक्वेस्ट यू टू इशू अस अ वीज़ा टू विजिट स्विट्ज़रलैंड फ्रांस एंड इटली। इसके बाद मैंने यहाँ पर बताया है कि मैंने जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं वो इसके साथ लगा दिए हैं इस एप्लीकेशन के साथ, तो उनको कंसिडर किया जाए और मुझे वीज़ा प्रोवाइड किया जाए। और इनकेस उनका कोई भी क्वेश्चन होता है, इनकेस यू हैव एनी क्वेश्चन आई कैन बी रीच एट मोबाइल नंबर, यहाँ पर मोबाइल नंबर आप मैंशन कर देंगे जो भी आपका मोबाइल नंबर है। उसके बाद थैंकिंग यू यू आर सिंसियरली, और थोड़ा सा एक स्पेस दे दें और क्योंकि यहाँ पर आपको साइन करना है, और यहाँ मैंने अपना नाम जो भी आपका नाम है यहाँ पर आप मेंशन कर दीजिए। तो ये कवरिंग लेटर है, अगर आप इस तरीके से कवरिंग लेटर बनाएंगे तो आपको कोई मुश्किल नहीं आएगी, और किसी भी कंट्री का आप ऐसा ही कवरिंग लेटर बना के दीजिए, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। तो आशा करता हूँ आपको दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।